ये दौरा द्रास से। इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर शहीद हुए परिजन जवानों के परिजन पहुंचे हुए हैं और उनसे बात करते हुए पीएम मोदी नजर आ रही हैं, उनका अभिनंदन करते हुए नजर आ रही हैं। करगिल के वीर जवानों को आज याद किया जा रहा है, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है, उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद पीएम मोदी द्रास पहुंचे हैं, करगिल में पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको सीधी इस वक्त द्रास की दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। शहीद जवानों को सबसे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको नमन किया जिन्होंने अपने प्राण देश की रक्षा में न्यौछावर कर दिया। आज 25 साल हो गए हैं करगिल युद्ध को, लेकिन आज भी जवानों की शौर्य गाथा हर किसी की जुबान पर है और किस तरीके से करगिल युद्ध के दौरान दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए, उसकी याद आज हर एक जहन में है। और आज उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश की रक्षा में, देश के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास आज पहुंचे हैं, करगिल के वीर योद्धाओं को सलाम करती हुई ये तस्वीरें आपके सामने हैं। द्रास से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर करगिल के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वॉर मेमोरियल पर पहुंचे हैं जहां पर करगिल के योद्धाओं को श्रद्धांजलि होते हुए नजर आ रही हैं। तो फिलहाल पीएम ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 25 साल हो गए हैं इस युद्ध को और आज भी हर एक के जहन में उस युद्ध की वो तस्वीरें जिंदा हैं। सभी शहीदों के परिजन जो हैं वो पहुंचे हैं और उन सब से मुलाकात भी पीएम मोदी ने की है और उन परिजनों से बातचीत भी की है, क्योंकि एक फौजी जब देश की रक्षा के लिए जाता है तो पीछे परिवार रहता है और परिवार के अंदर जो साहस होता है एक फौजी के जाने के बाद वो भी प्रेरणा से कम नहीं होता है, क्योंकि परिवार एक तरफ घर पर रहता है, दूसरी तरफ फौजी बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है। तो आज उन सभी परिजनों से भी पीएम मोदी मुलाकात कर, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से श्रद्धांजलि ज्ञापित करने के लिए जवानों को पहुंचे हों। इससे पहले भी पीएम मोदी को हमने देखा है कि जब भी वो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हैं वहां पर जो उनके परिवार वाले मौजूद होते हैं उनसे भी पीएम मोदी बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी समस्याओं को भी और उनसे बातचीत कर उनका हाल भी जानते हैं। और आज भी यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर द्रास वॉर मेमोरियल जो है पीएम मोदी पहुँचे हैं और यहाँ पर जितने भी शहीद के परिजन पहुंचे हैं उन्हें याद कर रहे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को भी जान रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर हम लाइव इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ा युद्ध जहां पर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश के प्रति, 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर देश की जीत का जश्न भी इसी दिन मनाया जाता है और यही वो दिन है जब ऑपरेशन विजय को सफलता भी मिली थी। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में उन इलाकों पर दोबारा से फतह हासिल की जहां पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों ने घुसपैठ की थी। ये दिन बेहद ही अहम दिन है भारत के इतिहास का और जो हर साल मनाया जाता है। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर देश की जीत का जश्न भी इसी दिन मनाया जाता है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में उन इलाकों पर दोबारा से फतह हासिल की जहां पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। कारगिल विजय दिवस देश के जांबाज सैनिकों के बलिदानों की याद और उनकी वीरता का यह उत्सव वाला दिन है। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है और इस साल भी 26 जुलाई को ही मनाया जा रहा है और इसकी अपने आप में बेहद ही खासियतें हैं। कारगिल विजय दिवस का इतिहास 1971 की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध से जुड़ा है जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश नाम से एक अलग देश बना था और इसके बाद भी दोनों देशों के बीच एक दूसरे के साथ टकराव जारी रहा जिसमें आसपास के पहाड़ी इलाकों पर सैन्य चौकियां तैनात करके सियाचिन ग्लेशियर पर हावी होने की लड़ाई भी शामिल थी और 1998 में अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण भी किया जिसके कारण दोनों के बीच लंबे समय से दुश्मनी चलती रही। शांति और स्थिरता बनाए रखने और तनाव को हल करने के लिए फरवरी 1999 में
लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन करके कश्मीर मुद्दे के द्विपक्षीय शांतिपूर्ण समाधान की ओर कदम उठाने की कसम खाई गई थी। तो यह संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के कारगिल जिले और एलओसी पर मई से जुलाई 1999 तक चला था। 2 महीने तक दुर्गम पहाड़ियों में भीषण युद्ध चला। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने में कामयाब रही और टाइगर हिल और दूसरे रणनीतिक ठिकानों पर सफलतापूर्वक कब्जा भी कर लिया था। 26 जुलाई 1999 को 3 महीने के संघर्ष के बाद भारतीय सैनिकों ने जीत हासिल की थी। हालांकि युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान भी हुआ, जिसमें भारतीय सेना ने लगभग 490 अधिकारियों, सैनिकों, जवानों को खो दिया। तो आप समझ सकते हैं 490 अधिकारी, सेना, सैनिकों और जवानों की शहादत का यह दिन है। और युद्ध में भारत की जीत हुई। भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का भी एक सशक्त प्रतीक है यह दिन। कारगिल युद्ध ने भारत के सभी कोनों से लोगों को सेना के समर्थन में एकजुट किया था और इसके अलावा युद्ध की बहादुरी और वीरता की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित भी करती हैं, उनके राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और समर्पण की भावना पैदा करती हैं। ये सभी नाम यहाँ पर उन जवानों के लिखे गए हैं जिनकी शहादत इस युद्ध के दौरान हुई थी। किस रेजिमेंट से हैं, किस राज्य से ताल्लुक रखते हैं, उन सभी के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। सुनहरे अक्षरों में उन जवानों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने एक क्षण भी संकोच नहीं किया और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। युद्ध की बहादुरी और वीरता की कहानियां आने वाली पीढ़ियां को ये प्रेरित जरूर करती हैं, उनमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और समर्पण की भाव भी पैदा करती हैं। कारगिल विजय दिवस इसलिए भी मनाया जाता है कि शहीदों के बलिदान को भुलाया ना जाए। तो आज का ये दिन उन सभी शहीदों के लिए है जिन्होंने क्षण भी नहीं सोचा और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 25 साल हो गए हैं कारगिल विजय दिवस को, लेकिन वो आज भी घाव जख्म जिंदा है। ये कहानियां पीढ़ियां दर पीढ़ियां सुनेंगे, लेकिन जो समय हुआ था वो भुलाया नहीं जा सकता। युद्ध की बहादुरी और वीरता की कहानियां पीढ़ियों को मोटिवेट करती हैं, उनमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और समर्पण की भावना पैदा करती हैं। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज का यह दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय सफल हुआ था आज के दिन। इस ऑपरेशन में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में उन क्षेत्रों को फिर से प्राप्त कर लिया था जहां पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। कारगिल विजय दिवस उनके बलिदान की याद और उनकी वीरता का उत्सव है जो राष्ट्रीय गौरव और कृतज्ञता के क्षण के रूप में काम करता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25वीं वर्षगांठ पर कारगिल विजय दिवस की सम्मान करने के लिए लद्दाख के द्रास पर पहुंचे हैं और आज यहां पर उनका पूरा दौरा भी रहने वाला है। और इस साल 26 जुलाई को मनाया जाने वाला कारगिल विजय दिवस शुक्रवार को पड़ा है, जो कारगिल युद्ध में भारत की जीत की 25वीं वर्षगांठ है। कारगिल विजय दिवस का इतिहास 1971 की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध से जुड़ा है, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना था। तो इसकी कहानियां पुरानी हैं। शांति और स्थिरता बनाए रखने और तनाव को हल करने के लिए फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर करके कश्मीर मुद्दे के द्विपक्षीय शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान भी इस दौरान किया गया था। कारगिल विजय दिवस राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का भी एक प्रतीक है। कारगिल युद्ध भारत के सभी कोनों से लोगों को एक साथ लाया है जो सशस्त्र बलों के सपोर्ट में एकजुट थे। फ्लेक्सिबिलिटी और एकजुटता की एक सामूहिक भावना कारगिल विजय